हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद कर दिया गया है, जिसके बाद कई सवाल उठने लगे कि आखिर व्यापारी वर्ग एवं सामान्य वर्ग का क्या होगा, जिन लोगों ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की हुई है आखिर उनका क्या होगा, जिनके अकाउंट में पैसे बचे हुए हैं उनका क्या होगा, और 29 फरवरी बाद क्या सच में पेटीएम पूरी तरह बंद हो जाएगा या नहीं। तो आज हम आपको इन सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में, मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि फिनटेक कंपनी पेटीएम के दिन खराब चल रहे हैं, निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए डूब चुके हैं। मामला यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है और आरोप भी गंभीर लगाए गए हैं। आरबीआई के ऐलान के बाद एजेंसियां पेटीएम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच भी शुरू कर सकती हैं। लेकिन बड़ा सवाल लोगों के मन में ये बना हुआ है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पेटीएम अचानक से आरबीआई की रेडार पर आ गया। तो इसका जवाब देते हुए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने कहा कि दिशा निर्देशों के लगातार अनदेखी के कारण पेटीएम के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। उससे पहले पेटीएम को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए पर्याप्त समय भी दे दिया गया था, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं दिखा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने पेटीएम का नाम लिए बिना कहा कि यदि दिए गए समय के दौरान सभी चीजों का अनुपालन किया गया होता तो केंद्रीय बैंक किसी विनियमन वाली इकाई के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं करता। यही नहीं, दास ने कहा कि पेटीएम मामले को लेकर व्यवस्था के बारे में चिंता की कोई बात नहीं है, हम केवल भुगतान बैंक के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा जोर हमेशा आरबीआई के नियामकीय दायरे में आने वाली इकाइयों के साथ द्विपक्षीय गतिविधियों पर होता है, हमारा ध्यान इकाई को सही कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करने पर होता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब बैंक और एनबीएफसी प्रभावी कदम नहीं उठाते हैं, हम कारोबार से संबंधित पाबंदियां लगा ही देते हैं। यानी ये कि पेटीएम के द्वारा आरबीआई के नियमों का पालन नहीं किया गया था, जिसकी वजह से ये सख्त कदम उठाया गया है। यानी आप समझ गए हैं कि आखिर पेटीएम के साथ ऐसा क्यों हुआ है। आइए अब आपको बताते हैं कि पेटीएम बंद होने से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है और उनके हल आखिर क्या क्या है। तो आपको बता दें कि पेटीएम के उपभोक्ता 29 फरवरी के बाद भी ऐप पर मिलने वाली सभी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे, ये बंद नहीं होगा। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन ने कहा कि कार्रवाई सिर्फ पेटीएम पेमेंट बैंक पर की गई है। ध्यान दीजिएगा, पेटीएम पेमेंट बैंक पर की गई है, पेटीएम ऐप पर आरबीआई के निर्देशों का कोई भी प्रभाव नहीं है। यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को किसी भी ग्राहक के खाते, प्रीपेड साधन, वॉलेट एवं फास्टैग आदि में 29 फरवरी 2024 के बाद जमा या टॉपअप स्वीकार करने से रोक लगाई है। मतलब ये कि अब आप 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक में ना तो जमा कर सकते हैं ना ही पैसा निकाल सकते हैं, साथ ही साथ पेटीएम वॉलेट का भी प्रयोग नहीं कर सकते एवं गाड़ियों पर लगने वाले फास्टैग का भी प्रयोग नहीं कर सकते। अब सवाल यह कि आखिर पेटीएम में किन किन चीजों का प्रयोग हो सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरबीआई के द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक बंद किया जा रहा है, ना कि पेटीएम ऐप, यानी एप्लीकेशन बंद नहीं की जा रही है भाई साहब। पेटीएम ऐप जिस तरीके से चलता था वो वैसे ही कार्य करेगा। इसमें आप रिचार्ज, किसी भी प्रकार का बिल भुगतान एवं संबंधित सेवाओं का लाभ अभी भी उठा सकते हैं। इसके लिए आप पेटीएम से अपनी किसी भी यूपीआई आईडी के किसी भी बैंक अकाउंट से जोड़ सकते हैं और उसका भुगतान कर सकते हैं। आइए अब बताते हैं कि पहले और अब में क्या क्या अंतर होने वाला है, यानी ट्रांजेक्शन्स में क्या अंतर होने वाला है, या पेटीएम ऐप में कुछ परिवर्तन होने वाला भी है या नहीं। तो आपको बता दें कि पहले पेटीएम में पेटीएम पेमेंट बैंक से खाता जोड़ा जाता था, लेकिन अब आप SBI, CBI या किसी अन्य बैंक से अपना खाता पेटीएम से जोड़ सकते हैं और सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। पहले पेटीएम वॉलेट चलता था, लेकिन अब वो वॉलेट काम नहीं करेगा। पहले गाड़ियों पर पेटीएम का फास्टैग लग जाया करता था और उससे आप गाड़ियां निकलवा भी सकते थे, लेकिन अब गाड़ियों पर पेटीएम का फास्टैग काम नहीं करेगा। यानी सीधी सी बात यह है कि केंद्रीय बैंक के द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक बंद किया गया है, ना कि पेटीएम पेमेंट ऐप। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।